और जो हमारा सैंपल भी हम लेते हैं उसका टेस्ट जो है पूना में होता था। आज पंजाब अपने पैरों पर खड़ा हो गया इसके लिए। लेकिन ऐसे है कि समाज में बहुत सारे लोग तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पर लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियाँ बोलते हैं तो उनका तो काम होता है कि वो उन्होंने विरोधी पार्टियाँ अब जब हम एक नंबर पे आ गए हैं तो सोचना चाहिए पंजाब कैसे काम। लेकिन हमें 3 से स्टार्ट करके आज तकरीबन 200 वोट सेंटर बना रखे हैं और 200 के करीब ही हमारे डिलीक्शन सेंटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी, समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना काल में जिस तरह से पूरा देश और दुनिया आज परेशान है, कर्फ्यू लगे, लॉकडाउन लगे, पूरा विश्व एक बार के लिए ठहर गया था, समय जैसे चलना ही भूल गया था। अब हालात ये है कि कोरोना के बेशक पूरी देश और दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद सरकारों ने और विश्व में अलग अलग देशों ने अपने अपने स्तर पर इन लॉकडाउन में डील देने की स्थिति को थोड़ा सा अब जो करना अब स्टार्ट किया है उसके लिए ज़रूरी ये हो गया है कि अब कहीं ना कहीं इसके साथ हमें रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और हालांकि दावे किए जा रहे हैं, अभी हाल ही में रूस ने ये दावा किया है कि जिसमें वैक्सीन की बात की जा रही है, इंडिया में भी अलग अलग स्तर पे साइंटिस्ट जो हैं लगे हुए हैं कि इस वैक्सीन को किस तरह से हम क्रैक करें और कोरोना के लिए जल्द से जल्द दवा बाज़ार में उपलब्ध हो और इस महामारी से निजात पाई जाए। हालात देश में बदतर थे तो कहीं ना कहीं पंजाब भी इससे अछूता नहीं था। जहाँ पे मार्च में अगर शुरुआती दौर में जहाँ भारत सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति को अपनाया, वहाँ पे पंजाब एक ऐसा राज्य था जहाँ पे कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे सीधे सीधे तौर पर कर्फ्यू की घोषणा की थी और कोरोना से बचाव के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए थे। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंजाब सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में सरदार बरबीर सिंह सिद्धू हमारे साथ उपस्थित हैं, चर्चा करते हैं इस पर। स्वागत है आपका सिद्धू साहब। सिद्धू साहब, शुरुआत इसी से करते हैं कि कोरोना में जिस तरह से हालात ख़राब हैं और आपकी सरकार ने हालांकि नए नए कदम उठाए, लेकिन बावजूद इसके हर तरह के उपराले करने के बावजूद जो आज ये केसेस बढ़े हुए हैं, जिस तरह से हालत अभी भी कहा जा रही है कि अभी इतने कंट्रोल में नहीं है, तो उसका क्या एक ऐसा ठोस रीज़न मानते हैं? देखो, पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं इसके ऊपर। हमारे CM साहब ने बहुत पहले बता दिया कि अभी ये रास्ता उसके अंदर पूरे पीक पे जाएगा और वो बात डे बाई डे सच हो रही है कि हमारे डेली जो केसेस की गिनती बढ़ रही है। और कुछ लोगों में भी ऐसा हो गया था कि शायद कोरोना एक वैसे ही वो फ्लू है, इससे वो खास खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन अब जब डेथ रेट बढ़ना शुरू हो गया, प्लस इनकी पेशेंट की गिनती बढ़नी शुरू हो गई, तो चिंता का विषय बना हुआ है सबके लिए। लेकिन आज भी जो सरकार की गाइडलाइन या सरकार तैयारी है, सरकार पूरी जोर से अपना काम कर रही है और जो हमारी मेडिकल टीमें हैं, जहाँ हमारा प्रशासन है, जहाँ हमारी पॉलिटिकल जो विल है, वो इतनी ज़्यादा इस मामले में मैं कहता हूँ अच्छा काम कर रही है कि भी लोग किसी ना किसी तरीके से इससे बच पाए। हमारा पंजाब का माहौल बिल्कुल ठीक था, पंजाब में जितने भी वो उसका उपाय बाहर से आए थे, लेकिन जो जो लॉकडाउन खुलता गया उसी तरह से हमारे जो केस बढ़ते गए। सबसे बड़े बात जो दिल्ली का या पूरे देश में लॉकडाउन खुलने के बाद हमारा पंजाब का नुकसान ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे स्टेटों में लोगों ने पंजाब में रहना शुरू कर दिया और पंजाब में इलाज करना शुरू कर दिया और हमारा सूबा पहले एक नंबर पे था। आज भी ऐसी बात नहीं, हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो प्रबंध है बाकी सूबे के मुकाबले में बहुत अच्छा है। लेकिन सिद्धू साहब, कहीं ना कहीं देखें तो मोहाली जिला, जहाँ पर आप खुद MLA के रूप में आज विराजमान हैं, और कुछ समय पहले ये जिला बिल्कुल कोरोना फ्री घोषित कर दिया जाता है, और आज कहीं ना कहीं फिर से ये जो रैली है तकरीबन 2000 के आसपास, 1600-1700 के आसपास आज ये केसेस आज देखने को मिल रहे हैं फिर से मोहाली ज़िले में, तो ये किस तरह से, ये क्या ऐसा हुआ कि अचानक कोरोना फ्री जिला और उसके बाद फिर से इतने बड़े संख्या में कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे हैं? देखो, मोहाली की बात नहीं करता, जहाँ जहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, चाहे वो मोहाली हो, लुधियाना हो, जलंधर हो, अमृतसर हो, चाहे पटियाला हो, जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आवाजाही है वहाँ पर जो केस बढ़ते हैं। और मोहाली तो तकरीबन सारा एक नया सिटी है, उसमें तो बहुत सारे लोग रहते बाहर से आते हैं, उनके जो रिलेशन है या उनका जो रिश्तेदारी है या उनका कारोबार है वो बाहर है, पर ले रहते मोहाली में है, तो इसी कारण एयरपोर्ट भी है जहाँ पे, और लोगों को तकरीबन जो A-class सिटी की फैसिलिटी यहाँ होने के कारण, और चंडीगढ़ का भी हमारे ऊपर असर है,
और हिमाचल हरियाणा का भी हमारे ऊपर असर है, इसलिए मोहाली में ठीक है आपकी बात की मोहाली केस बढ़ रहे हैं पर लेकिन सिटी कंट्रोल में है। एक बार के लिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रिक्ट हुआ तो पंजाब सरकार स्ट्रिक्ट हुई और कर्फ्यू को इतना सख्ती से लागू करवाया। अब हालत यही कि विस्फोटक स्थिति अभी कोरोना की जैसे पंजाब में बनी हुई है और एक्सपेरिमेंट के तौर पे कभी तीन जिलों के अंदर, अभी जैसे बड़े जिलों में अभी पिछले हफ्ते पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू को कंटिन्यू कर दिया, उसमें बढ़ावा दिया उसको, पर कहीं ना कहीं जो धरातल पर स्थिति है आपको नहीं लगता है कि जो कुछ और ऐसे ठोस कदम है जो कि उठाए जाने चाहिए? कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की शक्ति जो है वो उतनी नज़र नहीं आती है जितने दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। देखो दोनों बात सार्थक होती है, जेकर हम सख्ती करते हैं तो लोग भी फिर नाराज होते हैं, जो सख्ती नहीं करते तो लोग अपनी अपने आप अवेयरनेस से है उसको प्रिकॉशन को लेते नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं हम बैलेंस रख के चले। बहुत सारे फाइन किए जाते हैं, बहुत सारे चलान किए जाते हैं, लेकिन ये भी इसका कोई हल नहीं है। पर लेकिन लोगों से समझाने के लिए कोई ना कोई तरीका, कोई फाइनेंशियली थोड़ा टॉर्चर किया जाता है कि शायद आपको समझे, पर जो जंग ब्लड है खास करके वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जंग ब्लड जो है वो बगैर मास्क के या बगैर प्रिकॉशन लिए जब घूमना शुरू कर देते हैं उनको तो लगता है शायद मैं हम तो ठीक ठाक हैं, पर जब वो अपने घर पे जाते हैं तो उनके माता पिता तो सारे बेचारे ओल्ड एज में है या किसी कंडीशन में है जहाँ उनको कुछ प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उस पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। चलो साहब, इसी कोरोना काल के दौरान विपक्षी पार्टियां सड़क पे नजर आई ये कहते हुए कि पंजाब सरकार में कोरोना काल के दौरान जिस तरह की धांधलियां हुई हैं कोरोना टेस्टिंग के नाम पर, अमृतसर के कुछ हॉस्पिटल्स के नाम सामने आए हैं जिसमें विपक्षी पार्टियों ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धरने दिए और ये इल्ज़ाम लगाया सरकार पर कि ये जो हुआ है ये सब कुछ सरकार की शय पे हुआ है और इसमें इस्तीफा देना चाहिए, सीएम से भी मांग की कि इस्तीफा दें और हम लोग इसकी खिलाफत करेंगे, तो ये क्यों, ये मामले क्यों उठे, उसके ऊपर सरकार किस तरह से स्ट्रिक्ट नज़र आ रही है? देखो बात ऐसे है, जब शुरुआत हुई है तो उस टाइम हमारा जो टेस्टिंग की कैपेसिटी बहुत कम थी और जो हमारा सैंपल भी हम लेते उसका टेस्ट ज़्यादा पूना होता था। आज पंजाब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इसके लिए आज हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पर डे वो 16,000 से लेकर 20,000 तक है, लेकिन उस समय हमको जरूरत थी, हमें कुछ प्राइवेट लैब को भी जो ICMR से अप्रूव थी उनको हमने अलाउ कर दिया, लेकिन बाद में जब उनके रिजल्ट में हमको कुछ गड़बड़ लगी तो उसको बैन भी किया गया, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की गई। लेकिन ऐसे है कि समाज में बहुत सारे लोग तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पर लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियाँ बोलते हैं तो उनका तो काम होता है कि उन्होंने अगर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा कर दिया कि जिससे वो अखबार में रहें और उनको लोग कहें शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ लोग जो रैलियाँ कार्य करते हैं या ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करते हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए, उसमें एक भी आदमी ऐसा आ गया इन्फेक्टेड वाला, इन्फेक्शन वाला, तो सभी को इन्फेक्शन हो जाएगी, तो पूर्ण की स्प्रेड हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे किसकी फिक्स करेंगे? ये उनको ये समझ लेना चाहिए, लाइफ सबके लिए बराबर है और सब में जान है। कोई ये कोरोना के लिए कांग्रेस को होता है या काली को होता है या आप वालों को होता है या कांग्रेस को होता है, जो भी स्किल पेट में आ गया वो बचता नहीं। कहीं ना कहीं जो सरकार उपराले कर रही है उसका एक रिजल्ट के रूप में हाल ही में एक आया कि भारत सरकार के कुछ ग्रेडिंग हुई है जिसके तहत पंजाब नंबर वन आया है जो हमने उपराले किए हैं कोरोना टाइम पे, तो वहाँ जो नंबर वन आया है उसमें क्या है? वो कोरोना का नहीं है, वो है हेल्थ बैलेंस सेंटर जो हमारे है जी, प्लस जो हमारे जनरल हॉस्पिटल हैं या DHA हैं या STHA हैं जहाँ हमारी जो जनरल OPD है, वो पंजाब ने कोरोना के साथ साथ बाकी अपना जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे चलाया और हमारा जो डिलीवरी रेट है वो भी बड़ा अच्छा रहा है, प्लस जो हमारे ट्रीटमेंट है बाकी रूटीन के ट्रीटमेंट का इवन PG ने भी अपनी OPD बंद कर दी, लेकिन हमने ठीक है कोविड चलता रहा लेकिन हमारी जनरल OPD साथ साथ चलती रही है, लोगों को हर तरह का ट्रीटमेंट मिलता रहा, आज भी मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि लोग जो विरोधी पार्टी हैं अब जब हम एक नंबर पर आ गए हैं तो सोचना चाहिए पंजाब कैसे काम कर रहे हैं। सिद्धु साहब, एक बहुत बड़े लेवल पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है और कहीं ना कहीं धरातल पे भी स्थिति कुछ ऐसी देखी जाती है, नशा और नशा मुक्ति केंद्र, दोनों ही हालत बुरी तरह से पंजाब में खराब
स्थिति में पड़े हुए हैं, नशा बुरी तरह से बिक रहा है, सब देख रहे हैं, रोज़ पुलिस कोई ना कोई रेड कर रही है, पकड़े जा रहा है बड़ी मात्रा में। और दूसरी तरफ हालांकि आपने बताया है कि जो केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी दशाएं और सुधरी हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्रों की जब भी जहां भी देखें दशा बहुत दयनीय और चिंताजनक एक स्थिति होती है। एक बात है, एक बड़ी पुरानी बीमारी है नशे की, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे CM साहब ने एक बड़ा अच्छा निश्चय किया कि जो ओड सेंटर हैं, जहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं या डिडिक्शन सेंटर हैं, उसको बढ़ावा दिया हमने। आज कोई 5.5-6 लाख लोग जो है वो हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर है, लेकिन किसी चीज़ों को ख़त्म करना बहुत आसान बात नहीं है। नशा शुरू किसने किया, जहाँ हीरोइन किसके समय स्टार्ट हुई, कौन कौन से पार्टी के लोग उसमें शामिल थे, ये सब लोग जानते हैं। ये प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के समय सब स्टार्ट हुआ, लेकिन हमें 3 से स्टार्ट करके आज तकरीबन 200 ओड सेंटर बना रखे हैं और 200 के करीब ही हमारे डिडिक्शन सेंटर है और 5.5-6 लाख लोग उसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और पुलिस हमारी इतनी बेस्तरी से काम कर रही है कि डेली हम जो स्मगलर हैं, पेडलर हैं, उनको पकड़ रही है। तो हजारों ही बंदे नशा बेचने वाले हमने जेल में डाल रखे हैं, बहुत सारे ट्रायल, बहुत सारे सजा हो गई है, लेकिन बाकियों को भी हम हमारे पकड़ेंगे। लेकिन बात ऐसी है कि अब जो बात कोरोना की है, अब सरकार का पूरा ध्यान जो है कोरोना के ऊपर है कि पहले लाइफ है, फिर बाद में इस बात की सब चीज़ चलती है। आने वाले समय में किस तरह से रेमेडियल स्टेप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि केसेस तो दिन रात बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार के लिए एक चैलेंज है कि अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चलती रहनी चाहिए, तो ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशंस लेने वाली है सरकार? देखो, अर्थव्यवस्था की आप बात करते हैं, जितने हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज थे वो सारे इससे बहुत अफेक्ट हुए, बहुत हमारा फाइनेंशियल लॉस हुआ है और सेंटर ने भी हमारी कोई अच्छी तरीके से बाह नहीं पकड़ी, हमारे को हमारी मदद नहीं की। हमारी सरकार ने, हमारे CM साहब ने, या हमारे जो कैबिनेट ने, या हमारी गवर्नमेंट के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर इस स्थिति खराब फाइट किया, हमने मिशन फतेह स्टार्ट किया और लोगों को बूस्ट किया है कि आप आओ इस लड़ाई में, घबरा साथ हो, और लोग लगे हुए भी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग बेपरवाह हैं, जहाँ उनको लगता है शायद ये तो आम बात है, लेकिन जब किसी घर पे कोई डेड बॉडी आती है या डेथ होती है तो उस परिवार से पूछिए कि कोरोना कितनी खतरनाक चीज़ है। दूसरी बात जो है रेवेन्यू सोर्स की, हम आस्ते आस्ते थोड़ा खोलना शुरू किया है, लोगों को जगह बंद करते हैं तो लोगों का कारोबार बंद हो जाता है, उनका रोजी रोटी का सवाल है, तो काम चलाना पड़ता है, इंडस्ट्री को चलाना पड़ता है, ये नहीं चलाएंगे तो कितने दिन तक बंद रखेंगे। ये कोई कोरोना कले पंजाब के लिए चैलेंज नहीं, सोचिए बाढ़ के लिए चैलेंज है। अब वैक्सीन जब तक कोई तैयार नहीं हो जाती उस दिन तक हम सबको परहेज भी करना पड़ेगा और इसके साथ रहना भी सीखना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। हालात चाहे जो भी हों, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है कोरोना को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने के लिए, और इसके लिए सरकार ने अपने अपने स्तर पर, चाहे फिर वो नाइट कर्फ्यू लगाने हो या पुलिस और प्रशासन को सख्ती से रूल्स की पालना के लिए हिदायतें दी हो। इसकी पालना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दूरी नहीं रहेगी और आपसी जो तालमेल पहले हम जितना रखते थे, मेलजोल जितना रखते थे, अगर उसको थोड़ा कम नहीं किया जाएगा, डिस्टेंस इसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और सरकार की जो पालना है रूल्स की, जो हिदायतें दी गई हैं, उनको कारगर करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त है। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी चले, उसके लिए भी सरकार नए नए तरीके से इनोवेशन कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह से अर्थव्यवस्था को भी फिर से वो गति मिल पाए जो कि पहले की कहीं ना कहीं ख़त्म हो चली थी। यह कहना था आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सरदार बलबीर सिंह सिद्धू का, जो कि पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर के नाते अपनी सेवाएं दे रहे थे। फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।